इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां राज्य के जन कल्याणकारी और महंगाई से राहत दिलाने वाली योजनाओं को लेकर राज्य सरकार शहरी वार्डों से लेकर गांव में 24 अप्रैल से 30 जून तक प्रशासन गांव शहरों के संग अभियान के साथ साथ महंगाई राहत कैंप आयोजित होंगे। इनमें आमजन और वंचित वर्ग को जन उपयोगी घोषणाओं के बारे में जानकारी देकर पात्रता अनुसार योजनाओं से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन गाँव के संग अभियान और शहरी वार्डों में प्रशासन शहरों के संग अभियान के 2 दिवसीय शिविरों का आयोजन होगा। इन शिविरों में महंगाई राहत कैंप के विशेष काउंटर भी लगाए जाएंगे। जिले में शिविरों के आयोजन को लेकर जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मणी रियार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली। रुक्मणी रियार ने कैंप के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि जिले में कहीं से भी राज्य का कोई भी व्यक्ति शिविर में संपर्क कर पंजीकरण करा सकता है। शिविर तब तक जारी रहेंगे जब तक हर उस व्यक्ति का पंजीकरण नहीं हो जाता जो पंजीकरण करवाना चाहता है। जिले में 80 स्थानों पर 2 महीनों के लिए महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे, जिनमें ग्राम पंचायत स्तर पर 7, स्थानीय निकाय स्तर पर 23 सहित कुल 30 मोबाइल कैंप यूनिट और 50 स्थायी कैंप राजकीय अस्पतालों, गैस एजेंसी, बस स्टैंड प्रमुख, बाजार, शॉपिंग मॉल्स, रेलवे स्टेशन, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, पंचायत समिति, नगर पालिका सहित अन्य राजकीय कार्यालयों व सार्वजनिक स्थानों पर लगेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर प्रशासन गांव के संग अभियान के साथ एक एक महंगाई राहत कैंप लगेगा। शहरी क्षेत्र में प्रत्येक नगर पालिका स्तर पर 1, नगर परिषद स्तर पर 2 महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। इंडियन टीवी न्यूज से डीएल सारस्वत की रिपोर्ट। पूरे राजस्थान में 24 अप्रैल से 30 जून तक प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग और साथ में मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार महंगाई राहत कैंप्स का आयोजन किया जा रहा है। इसी के रूप हमारे ज़िले में हनुमानगढ़ में भी राहत कैंप्स का आयोजन किया जाएगा। ये महंगाई राहत कैंप्स जो हैं वो 24 अप्रैल से 30 जून तक ज़िले में चलाए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में और हमारे वार्ड्स में 2-2 दिन के कैंप्स आयोजन किए जाएंगे, जिसमें 30 विभाग अपनी विभिन्न योजनाओं का लाभ अपने लाभार्थियों को हम देंगे। इसमें 50 जगह पे ज़िले में स्थायी रूप से महंगाई राहत कैंप्स का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हमारे बेनिफिशरीज आ सकते हैं और अपना पंजीकरण करा सकते हैं, ताकि जो बजट में घोषणाएं हुई हैं उसके अंदर जो बढ़ोतरी हुई है हर स्कीम में, उसका लाभ हमारे बेनिफिशरीज ले सकें। जैसे कि पेंशन में हम जानते हैं कि 750 से 1000 हुई है, पालनहार जो है उसमें भी पैसे की बढ़ोतरी करके 1500 किया है। सिमिलरली हमें पता है कि 100 यूनिट जो हमारे फ्री हैं वो घरेलू कनेक्शन में और 2000 यूनिट जो है कृषि कनेक्शन में, इन सब योजनाओं का लाभ जो है, अतिरिक्त लाभ लेने के लिए सभी बेनिफिशरीज को अपील की जा रही है कि वह इन राहत कैंप्स में आए और ये विभिन्न योजनाओं का लाभ लें और सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप आप ये जन कल्याणकारी योजनाएँ, जैसे कि चिरंजीवी योजना जिसमें 25 लाख तक का बीमा और दुर्घटना बीमा 10 लाख तक का है, उसके लिए आके अपना पंजीकरण कराएं। इसके साथ साथ जो हमारा गैस सिलेंडर योजना है उसके अंदर जो 500 रुपये की छूट है, उसके लिए भी आप हमारे इन कैंपों में आएं, ताकि हम इसकी छूट के अनुरूप आपको सुविधा दे सकें। इसी प्रकार 10 योजनाएं आइडेंटिफाई की गई हैं जिसमें सबको लाभ दिए जाएंगे। इसके साथ 30 विभाग के अधिकारी इन कैंपों में रहेंगे और विभिन्न योजनाओं में जो भी हमारे बेनिफिशरीज हैं उनको जो भी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याएं को दूर किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि कोई भी हमारा बेनिफिशरी ऐसा ना रहे जो किसी भी योजना या लाभ से वंचित रहे। आपसे पुनः अनुरोध है कि महंगाई राहत कैंप्स जिनका आयोजन सरकार कर रही है उसमें आप बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने आसपास भी गाँव में सबको सूचित करें इनके बारे में, और इसका जो जिले वाइज और कैंप की जो डिटेल सब डिवीजन वाइज है वो जल्द ही हम आपको पूरा टाइम टेबल और शेड्यूल आपको हम दिए। थैंक यू। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।